अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज मैं मेहरान मरी साहब के घर पे आया हूँ उनसे बातचीत करने के लिए। उनसे बात करके यह है कि मुझे काफ़ी एक तरह का सुकून मिलता है कि वो बड़ी खुल के बातें करते हैं और हमने काफ़ी देर बातचीत की और अब ये एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की मैंने रिक्वेस्ट की है जो उन्होंने कबूल की है। तो यह है कि आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेहरान मरी साहब का इंटरव्यू। मेहरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान एक टाइटैनिक बन चुका है, सिंकिंग टाइटैनिक। इकोनॉमी तबाह है, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है, सोसाइटी तबाह हो चुकी है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, खाने को कुछ है नहीं, एलिट अय्याशियां कर रही है। ऐसे में आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? वेलकम अरे भाई, मेरे अंदाजे में पाकिस्तान एक डेड ऑन अराइवल DOA मुल्क जो कहते हैं ना, डेड ऑन अराइवल मुल्क है। ये 1947 से डेड था, इसको लाइफ सपोर्ट मशीन पर जिंदा रखा गया है डिफरेंट साम्राज्य पावरों ने, अमेरिका ने, यूके ने, यूरोपियन यूनियन ने, और अभी लेटेस्ट इसका जो इनक्यूबेटर है जो ICU में बैठा हुआ वो चाइना ने रखा हुआ है इसको जिंदा। तो ये इसको तो मरना है ही अनकरीब मेरे ख्याल में, अभी अपने अननेचुरल डेथ को पहुंचेगा। लेकिन इस 75 ईयर्स में इसने कितना नासूर फैलाया है, कितने नस्लों को तबाह किया है, कितने नेशंस को इसने ओप्रेस करके बहुत दुख से गुजारा है। बलोच और बंगाली तो बहुत इसके विक्टिम रहे हैं, सिंधी और माजर और पश्तून अभी भुगत रहे हैं उसको। तो पाकिस्तान का तो एंड आने वाला है, लेकिन क्या बोला जाए, स्पेशली आज कल के इंटरनेशनल सिनारियों में अगर आप सऊदी और ईरान का गुर्बत देखें, इसमें तो पाकिस्तान बिल्कुल वो धोबी का कुत्ते का मिसाल इस पर फिट आता है। तो पहले तो ये सऊदी की तरफ भागता था, बोलता है कि मुझे सपोर्ट करो कि मैं कोई शियाओं को तंग करूं आपका पैसा लेके, फिर ईरान को बोलता था मैं सुनियों को तंग करूं। इनका जो कुर्बत हो गया तो ये बीच में नंगा रह गया। सेम एग्जांपल इस पर फिट होता है अमेरिका और चाइना के टाइम में, जब यूनिपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका सुपर पावर था वन एंड ओनली, उक्राइन के बाद और अभी लेट 21st सेंचुरी में अभी बाईपोलर से भी ज़्यादा प्लेयर्स आ गए। इंडिया भी एक सुपर पावर है, चाइना भी एक सुपर पावर है, रशिया भी सुपर पावर है, अमेरिका भी एक सुपर पावर है। तो अभी इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि ये हमेशा एक खावन ढूंढता है, जैसे हमेशा कोई प्रोटेक्टर तो या खावन तो नहीं, खावन तो बहुत एहतराम वाला रिलेशनशिप होता है बीवी और खावन का, तो ये कोई हमेशा कोई मुश्तंडा ढूंढता है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी इसके लिए मुश्तंडे ख़त्म हो गए, तो पाकिस्तान काफ़ी एक बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस फंस गए। मेरा भाई, दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो इस बात पे एग्रीड हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है, और पाकिस्तान कब का टूट जाता अगर अमेरिका ने इसको बचाया ना होता। तो पाकिस्तान की अब वो इफादियत तो है नहीं, अब पाकिस्तान इतना वैल्यूएबल रहा नहीं अमेरिका के लिए भी। पाकिस्तान को हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर चाहिए सर्वाइव होने के लिए। अमेरिका यूक्रेन को तो दे रहा है, पाकिस्तान को तो 1.2 बिलियन की किस्त नहीं दे रही IMF। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को कीप बचाता रहेगा कि अमेरिका भी थक जाएगा? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, वर्ल्ड पावर्स के, सुपर पावर्स के प्रायोरिटीज भी चेंज होते जा रहे हैं। तो शायद इतने साल पाकिस्तान ने अपना वायबिलिटी रखा, एक न्यूसेंस वैल्यू रखा था, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के वजह से ये मदरसों को बना रहे थे। वो अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा, पाकिस्तान को हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए अफगानिस्तान का, हमेशा जो मसला अफगानिस्तान में रहा उसके ब्लो बैक में पाकिस्तान ने मुनाफा पाया, ये उसी के
ताड़ में पाकिस्तान ने अपने लिए दुकानदारी बनाया। तो अभी अफगानिस्तान मेजर पावर्स के फोकल पॉइंट पर नहीं है, देयरफॉर पाकिस्तान तो एक ब्रोकर है, उसका ब्रोकरेज का भी कोई वैल्यू नहीं रहा। तो पाकिस्तान एक ऑब्सोलीट मुल्क है, जिस काम के लिए उन्होंने बनाया था उसका इस्तफादा करके अभी वो रद्दी के टोकरी में फेंक रहे, जो उसका इवेंचुअल अंजाम होना है। एनीवे, साउथ एशिया में पाकिस्तान अमेरिका का एक अड्डा रहा है, एक एजेंट रहा है, आप समझते हैं अब जैसे ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, इसमें इंडिया अमेरिका का पार्टनर बनता जा रहा है और अमेरिका इज गेटिंग क्लोज टू इंडिया, जैसे एक अलायंस क्वाड का बना है जिसमें अमेरिका भी है, इंडिया भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, इस तरह एक I2U2 बना है जिसमें इसराइल, इमारात, अमेरिका, इंडिया, और इंडिया को अमेरिका बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो आप समझते हैं कि इंडिया विल बिकम ए पार्टनर ऑफ अमेरिका और उसमें पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा? जी, मुझे आपके अल्फाजों का चुनाव बहुत पसंद आया, आपने पाकिस्तान को एक ही अल्फाज में, वो बोलते हैं समंदर को कूजे में बंद कर दिया, आपने बोला अड्डा रहा है, पाकिस्तान है ही एक अड्डा, अरबियों का अड्डा, गोरों का अड्डा, एक शोगल मस्ती का अड्डा रहा है सबका। आप कभी इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इंडिया एक ऑनरेबल पार्टनर रहा है इंटरनेशनल पावर्स का और अदर कंट्रीज का। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उन्होंने एक अड्डे के नज़रिए से बनाया, अड्डे के जैसा इस्तेमाल करने के लिए बनाया और वैसे ही उनको इस्तेमाल किया। तो ऑफकोर्स इन द लॉन्ग टर्म इंडिया और इंशाल्लाह बलूचिस्तान एक ऑनरेबल पार्टनरशिप के साथ दुनिया के साथ चलेगा। आपने कहा कि बलूचिस्तान, आज़ाद बलूचिस्तान और इंडिया की पार्टनरशिप रहेगी, तो आप कितने होपफुल हैं नियर फ्यूचर में बलूचिस्तान की आज़ादी को, मूवमेंट को कहाँ देखते हैं अभी? जी, बलूचिस्तान का आज़ादी एक इवेंचुअलिटी है, मैं मूवमेंट जो चल रहा है बलूचिस्तान की आज़ादी का, बहुत लोगों ने कुर्बानी दिया है, दे रहे हैं, मेरे वालिद का भी बहुत बड़ा रोल था और अभी भी बलोचों का बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस हैं इस पूरे तहरीक में, लेकिन बलूचिस्तान का इवेंचुअल, वो बोलते हैं फाइनल वन, पुश कम टू शव, ये इंटरनेशनल पावर्स और ये डायनामिक्स ऑफ द होल गेम जो चेंज होगा उसके कॉन्सिक्वेंस में बलूचिस्तान आज़ाद होगा। मेरे ओपिनियन में, मेरे ख्याल में एक बलोच मूवमेंट बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं कर सकता है, बहुत फैक्टर्स होंगे जो इंशाल्लाह विल कम इनटू प्ले इन ड्यू कोर्स। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एक वर्ल्ड ऑर्डर था 9/11 के बाद या कोल्ड वॉर के बाद, एक वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी, अमेरिका और वेस्ट सारी चीज़ें डिसाइड करता था। आज जैसे कि आपने भी शुरू में बताया कि इंडिया, चाइना, रशिया, नई पावर्स एमर्ज हुई हैं, यूक्रेन रशिया वार चल रही है, एक ताइवान के हवाले से चाइना अमेरिका का पंगा भी नज़र आता है, उसमें बलोच लीडरशिप कोई किरदार अदा कर सकती है या उसको कहीं खपाया जा सकता है कि उसको आज़ादी दी जा सकती है? बलोच लीडरशिप को अपना केस प्रेजेंट करना चाहिए बहुत डिसेंटली, ऑनरेबली और वाइबली। किसी को बलोचों के साथ या कोई मुल्क जो आज़ाद हुआ किसी के बड़े पावर के प्यार की वजह से नहीं हुआ या सिंपथीज की वजह से नहीं हुआ, अपने इंटरेस्ट की वजह से। अभी चाइना को भी यही बलोचों, बलोच लीडरशिप को चाइना को बताना चाहिए, हमारा नेबर तो चाइना भी है, जैसे इंडिया चाइना, उनको बताना चाहिए, चाइना को अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। पाकिस्तान तो एक आने जाने वाला चीज़ है, हम तो एक हिस्ट्री भी थे और प्रेजेंटली भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे, जैसे चाइना और इंडिया रहेगा हम भी रहेंगे, तो हमको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और उनको भी लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और हमारे सब म्यूचुअल इंटरेस्ट के। ऐसा भी हमने देखा है कि एक इशू है कई सौ साल पुराना कुर्दिस्तान का, और कुर्द लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जब वेस्ट लड़ा था तो उन्होंने कुर्दों को वादा किया था कि आप हमारा साथ दें ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ और हम आपको आज़ादी दिलवाएंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, उनको आज़ादी नहीं दी गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में अगेन उनको कहा गया कि आप जर्मनी, तुर्की वगैरह के खिलाफ हमारा साथ दें, हम आपको आज़ादी दिलवाएंगे,
फिर जंग अजीम खत्म होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक सेमी ऑटोनोमस कुर्द एरिया का डिस्कशन चला था, लेकिन फिर दो साल बाद उसको भी वाइंड अप कर दिया और उनको डिवाइड कर दिया इराक में, तुर्की में, इसमें। फिर सद्दाम हुसैन के खिलाफ जब कार्रवाई की तो फिर अगेन तो कुर्दों को वो आज़ादी के ख्वाब दिखाए गए। तो इंटरनेशनल पावर्स के साथ जब आप बातचीत करेंगे तो क्या इसका भी एक चांस है कि बलोचों को किसी मकसद के लिए यूज़ करने के बाद फिर उनको कहीं फंसा दिया जाए? जी, मेरे वाले तो बहुत खेर थे अपने इस स्टांस पे कि हमको अगर पंजाबी का गुलाम अभी हम कबूल नहीं कर सकते, हमको अमेरिका का गुलाम, अगर अमेरिका का गुलाम बन गए तो 5000 साल हम उसका गुलाम हो गए। हम पंजाबी से भी 100-150 साल अपना फुल कैलकुलेशन करने से जान छुड़ाएंगे, उससे कौन छुड़ाएगा? वो तो बड़े साम्राज्य पावर है। तो बिल्कुल जो आपको आज़ादी दिलाएगा उसके कंडीशंस तो होंगे, वो मतलब आप उसके गुलाम होंगे। एक ट्रूली सॉवरेन इंडिपेंडेंट मुल्क, आपको अपना आज़ादी खुद ही हासिल करना होगा और उसके लिए कुर्बानी देना होगा। जो आप लोग आपको अभी अफगानिस्तान को क्यों लोग कंकर नहीं कर सकते कि वो अपना आज़ादी खुद ही मेंटेन कर रहे हैं। जो भी उनको कब्जा करने का कोशिश करता है मार खा के भाग जाता है। 3 सुपर पावर्स हमारे आंखों के सामने हैं, बुरे हैं अच्छे हैं, अपने सरजमीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कर सक रहे हैं और रखा हुआ है आज तक। हमारा जो भी ओपिनियन हो उनके सियासत के बारे में, उनके रिलीजियस इंक्लिनेशन के बारे में, अनदर मैटर। लेकिन ऐसा बनना है आदमी को, जैसे यूरोपियन मुल्क है, अपने सरजमीन का दिफा करना आदमी को सीखना चाहिए। बलोचों को ये पता हो कोई हमारे को प्लेट में, ना इंडिया, ना अमेरिका, ना इसराइल प्लेट में लाके आज़ादी नहीं देगा। लेकिन हम एक एग्जांपल देखते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी में इंडिया का सबसे बड़ा किरदार रहा, बाकायदा इंडियन आर्मी ने जंग लड़ी और इंडिया ने बांग्लादेश को गुलाम नहीं बनाया, बांग्लादेश को टोटल आज़ादी दी और इतनी आज़ादी दी कि आज वहाँ पर हिंदू मर रहे हैं। तो ऐसा कोई सीन हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ इंडिया ही कर सकता है जो अनकंडीशनल सपोर्ट करता है जैसे इसने बांग्लादेश को किया। तो आपका इंडिया से कोई बातचीत नहीं हो रही कि इंडिया आपको मामले में नहीं वो कर रहा? इंडिया का बिल्कुल पिविटल रोल होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा भी, हम तवक्को रखते हैं एज ए रीजनल सुपर पावर बलूचिस्तान की आज़ादी में। लेकिन जैसे अपने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो फैला है, पाकिस्तान का जो फाउंडेशन जो अंग्रेज़ों ने रखा, इस नासूर को जो पैदा किया 1947 में ऑन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे, उस टाइम से जो फैब्रिक में ये नासूर आया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिज्म का, तो उसी वजह से तो आज आप देखें बांग्लादेश में तो मदरसों से भरा हुआ है, वो बीमारी फैल गया वहाँ पर। इसीलिए उनको कदर भी नहीं है, जिस मुल्क ने उनको आज़ादी दिलाया उसी मुल्क के बाशिंदों को ये टारगेट कर रहे हैं। तो मैं बंगालियों को ब्लेम नहीं करूंगा, वो बांग्लादेश में जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं उनका कसूर है जो अलाइंड है विद पाकिस्तान, पंजाबी पाकिस्तान। और बलूचिस्तान में भी एग्जैक्टली यही चीज़ चल रहा है, ये सेम मॉडस ऑपरेंडा है उनका जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट फैला। हर इलाके में मदरसे खोल, लोगों को खाने को नहीं अगर मदरसे खुल रहे, गरीब अपने बच्चों को तो ही भेजते हैं कुछ पढ़ेंगे और दो टाइम का खाना मिलेगा। ये इसलिए इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और पंजाबी फंडामेंटलिज्म जो है, पाकिस्तानी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ये इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट हमारे खत्ते में। मरन में मेरी ऑडियंस ज़्यादा इंडियंस हैं, तो वो अक्सर सवाल करते हैं कि हम बलूचिस्तान की मदद करेंगे तो कल को फिर बलूचिस्तान भी हिंदुओं के खिलाफ आज़ाद होने के बाद ऐसे ही करेगा जो बांग्लादेश वाले कर रहे हैं। तो आप कुछ बलूचिस्तान की डेमोग्राफी के बारे में बताएंगे? वहाँ हिंगलाज माता का मंदिर है, बलूचिस्तान में हिंदुओं की कई सेक्रेट प्लेसेस हैं, तो आपका क्या ख्याल है बलूचिस्तान में एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी सस्टेन कर सकेगी? इंशाल्लाह। जो हम बलोच इनहेरेंटली हम सेक्युलर लोग हैं, मुसलमान बिल्कुल हैं, लेकिन हमारे पॉपुलेशन में हिंदुओं का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा प्रेजेंस है। और हम मरी बुकटियों का मैं बोल सकता हूँ, हमारे जितने जो ट्राइबल अफेयर्स हैं इनमें हिंदुओं का बहुत बड़ा हाथ है। प्लस जैसे हिंगलाज माता का आप कह रहे हैं, वहाँ तो हर साल इनका त्यौहार होता है, बहुत हिंदू आते हैं। मेरे ख्याल में किसी बलोच ने कभी रुकावट पैदा नहीं किया, अगर कभी इंसिडेंट हुए हैं वो भी ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, पंजाबी फंडामेंटलिस्ट ने किए हैं जो हिंदुओं के खिलाफ। तो नहीं, वैसा सिनारियो मैं नहीं देखता हूँ। इंशाल्लाह जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा एम होगा जो इस नासूर ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को वाइप आउट करना है। बलूचिस्तान परहैप्स रिचेस्ट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है और नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे कुछ आप बताएंगे बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और उनमें से कितने प्रिजर्व्ड हैं और कितने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं पंजाबियों के हाथ। जी मेरे ख्याल में प्रिजर्व तो काफ़ी कम होंगे अगर गिना जाए, सब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, पंजाबियों से ज़्यादा चाइनीज उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चाइनीज़ कंपनीज। लेकिन जो भी एक्सपोर्टेशन हो रहा है आप संदक ले लें फॉर एग्जांपल या फिशरीज़ का ले लें ग्वादर में, हमको क्या पता, सब अंडर मिलिट्री कंट्रोल है। चाइनीज़ और पाकिस्तानी मिलिट्री ने पूरा कॉर्डन ऑफ किए इलाके तो बंद है, इलाका गैर है, बलोचों को पता भी नहीं क्या हो रहा है। डे एंड नाइट माइनिंग हो रहे हैं, गोल्ड माइनिंग हो रहा है, कॉपर माइनिंग हो रहा है, एवरीथिंग इज़ बीन एक्सप्लॉइटेड टू द एक्सट्रीम। तो कोई उसके ऊपर इंटरनेशनल अथॉरिटीज को क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बलोच नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है और जाना चाहिए भी हमको। मेरा भाई आपने दो बार कहा अभी कि बलोच लीडरशिप को ये करना चाहिए जाना चाहिए, तो आप खुद बलोचिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब के एक लीडर हैं, तो कौन करेगा अगर आप नहीं करेंगे तो आप क्यों नहीं जाते? जी बिल्कुल ऑनस हम सब पे है, लेकिन ये सिंगल हैंडेडली एक आदमी का काम ही नहीं। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ये एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक और किसी एक फर्द का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमको कलेक्टिवली इस चीज़ को आगे ले जाना। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफर नहीं कर रहा हूँ ये कह के, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, हम बलोच ऑल टुगेदर इतने मरालों से गुजरे हुए हैं जो हम एक दूसरे पे भी शक के निगाह से देखते हैं, कोई कुछ बोले तो बोलेंगे पूरा सिस्टम हाईजैक करने के चक्कर में या आगे जाने के चक्कर में, तो हमको एक साथ बढ़ना है और कलेक्टिवली ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना है और आगे ले जाना है। फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान हैं जैसे हम हैं, जैसे सिंधी हैं, जैसे पख्तून हैं और इंडियंस भी हैं, वहाँ हम आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास एक सवाल आता है कि बलोच इशू के लिए मेन मसला है यूनिटी ऑफ बीच डिफरेंट बलोच से। एक तरफ तो पाकिस्तान में है कि क्या हुआ है, ज़्यादातर कबीले के सरदार पाकिस्तान के साथ मिलकर थोड़ा बहुत लूटमार कर रहे हैं, पंजाबियों को मदद कर रहे हैं तो थोड़ा उनको शेयर मिल रहा है। एक तरफ जो आज़ादी के लीडर्स भी हैं उनमें भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्या ये सही है? ये किसी हद तक बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं जनरली कहा जाता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो जो सरदार नवाब हैं ये ही ऑब्स्ट्रक्शन है बलूचिस्तान की तरक्की में, तो पुराना स्लोगन है जो कहते जाते हैं। लेकिन 99.9% नवाब सरदार तो उनके पिट्टू हैं, उनके अपने गोद में बैठे हैं, उनके हड्डी खा रहे हैं, तो दैट्स नॉट द केस। हम जो बाहर कुछ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं बलोचों के, हमारे बीच में भी ज़ाहिर है ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए, ज़्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए जो शायद नहीं है, इसीलिए हम अपने केस को अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पा रहे। एज ए लीडर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए कौन कदम उठाएगा? जी हम एक बहुत इगोइस्टिक नेशन है और इगोइस्टिक कौम है, हर कौम को अपने खामियों का अपने कमज़ोरियों का एजार करें उसको माने तो दे कैन इम्प्रूव। हम एक ईगोइस्टिक लोग हैं, जो भी पहल करेगा अनफॉर्चुनेटली वो सोचेगा कि मैं दूसरे से कम नज़र आ रहा हूँ, वो दूसरा फिर और भी भूख में आ जाएगा मैं बहुत बड़ा चीज़ हूँ। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत पेटी कमज़ोरियाँ हैं, उसके वजह से हम बहुत बड़े पिक्चर में मिस आउट कर रहे हैं। मेरा नाम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, जैसे शुरू में बताया तो इस वक्त इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, आप इसका ऐलान नहीं कर रहे इसका मतलब यह नहीं कि डिफॉल्ट नहीं किया है। आटे की लाइनें लगी हुई हैं लंबी लंबी, एक ऐसा आटा मुफ्त में दिया जा रहा है जो लाखों डॉलर से यूक्रेन से मंगवाई गई है गंदुम, और यूक्रेन में उसको अलाउड नहीं था कि इंसान नहीं खा सकते, वो आटा मुफ्त में बांटा जा रहा है, उसमें दर्जनों लोग अब तक मर गए हैं खाली स्टैम्पीड से और 100 ऊपर लोग जख्मी हैं, इकोनॉमी तबाह है, इंपोर्ट बिल्कुल बंद है, एक्सपोर्ट बंद है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मिलियंस ऑफ लोग, एग्जेजरेशन नहीं है, मिलियंस ऑफ लोग जॉबलेस हो गए। क्या इकोनॉमी
कल ये डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान टूट जाएगा? नहीं जी, जस्ट इकोनॉमिकली डिफॉल्टिंग इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर इम्प्लोजन या डिसमेंबलमेंट ऑफ अ कंट्री। डिफॉल्ट कर रहा है, श्रीलंका ने भी डिफॉल्ट किया, लेकिन एज अ कंट्री, एज अ सॉवरेन कंट्री तो चल रहा है। पाकिस्तान खाली इकोनॉमिकली डिफॉल्ट नहीं कर रहा है जी, उसके फॉल्ट लाइंस भी अभी वाइड हो रहे हैं, उसके जो जो इतने सालों से जो इश्यूज ब्रू कर रहे थे वो सब सरफेस पे आ रहा है। आप इंटरनल पॉलिटिक्स में देखें, ये पीटीआई नवाज, इनको देखें, आपने कभी देखा था कि इतने वाजे अल्फाजों में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी और सिविल ब्यूरोक्रेसी के बीच में इतने वोकल होंगे, इतने ओपन बात कर सकेंगे? तो सब बहुत क्या बोलते हैं, जो बोगे वो ही काटोगे, तो इन्होंने जो बहुत था अभी काट रहे हैं वो। तो पाकिस्तान इम्प्लोड करेगा, डिसमेंबर होगा, ये टूटेगा इंशाल्लाह। हम पश्तून और आप अपने नेशंस के मालिक बनेंगे, लेकिन ये खाली डिफॉल्ट का वजह नहीं है, ये बहुत फैक्टर्स हैं। मेरा मैं डिफॉल्ट हो जाएगा, टूट भी जाएगा। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान जब इलेक्शन लड़ रहा था 2018 से पहले, तो मैंने अपने दर्शकों को यही बताया था कि ये पाकिस्तान का गोरबाचोफ होगा, और अब वो उस स्टेज पे ले आया है कि पंजाबी वर्सेस पंजाबी चल रहा है, और ये ना आप कर सके, यानी बलोच नहीं कर सके, हम भी नहीं कर सके, सिंध के लोग भी, पठान भी नहीं कर सके, ये इमरान खान ने कारनामा अंजाम दिया है। और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि आर्मी इमरान खान को आने नहीं देगी, जैसे 1970 में मुजीबुर रहमान, तो अब अगर इलेक्शन कराते हैं तो इमरान खान जीतता है, इमरान खान गवर्नमेंट बनाता है तो आर्मी का क्या होगा, सारे जंगलों को गालियां दे रहे हैं, जूते मारे जा रहे हैं, सब कुछ है, तो आर्मी इसको आने नहीं देगी, तो क्या वो 70 वाला सिचुएशन होगी जब बंगालियों ने फिर सड़कों पर आकर आज़ादी हासिल की? तो आप समझते हैं कि इमरान खान एक डिसिजिव मोड़ पर लिया है पाकिस्तान को? जी, इमरान खान को दाद देते हैं कि बहुत अच्छा किया कि आखिर में एक्सपीडिएट कर दिया इस प्रोसेस को, जल्दी से इनको आपस में जो हथापाई बहुत वक्त पहले करना था अभी किया, और ये भी खाली पेट के चक्कर में कर रहे हैं। ये पंजाबी इतना भूखा कौम है, और मैं पंजाबी कौम को फिर से माजत कौम का नहीं बोल रहा हूँ, जो इनके फौजी हैं, जो इनके ऑफिशल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये खा के 70-80 साल से मुफ्त का खा के, यूरोप और अमेरिका से तो इनको खुला खाता था, अभी चाइना ने तो पटा पकड़ा हुआ इनका, पूछ पूछ होता है कि इतना खा रहे हो, इतना पेट पे चढ़ रहे हैं, तो काम पे कितना खर्च रहे हो, तो फर्स्ट टाइम इनसे पूछ पूछ हो रहे हैं। तो अभी एक डिफरेंट सिनेरियो, ये पेट के चक्कर में अभी खाना पीना कम हो गया, तो इसीलिए एक दूसरे को नोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि इमरान खान सक्सेसफुल होगा इसी मुल्क को तोड़ने में। थोड़ा पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि आपकी नज़र है एज ए लीडर, आप सब चीज़ों को देखते होंगे, आजकल मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि दिस विल बी इंडिया सेंचुरी, और इंडिया एक पावर बनता जा रहा है, सुपर पावर बनता जा रहा है, दुनिया की पांचवीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है, और 2-3 साल में कहते हैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आईटी में, हर चीज़ में इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्या इज इट एन एग्जेजरेशन कि इंडिया इज वन ऑफ द सुपर पावर, कि वाकई इंडिया एक सुपर पावर है? ये देखें, हम हमेशा इंदिरा गांधी जी के वक्त से हम बहुत सिंपथेटिक हैं इंडिया के बारे में, बिकॉज इंडिया वॉज सिंपथेटिक टूवर्ड्स अस, ये इंटरेस्ट का बात है। हम बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं खुदा करे इंडिया नंबर वन सुपर पावर बने, लेकिन हमको तो एक्नॉलेज करे, हमारे पोजीशन को भी समझे, हमारे कमजोरियों को, हमारे सिचुएशन और हमारे साथ जो गुजर रहा है उसको, एज विद दिस सुपर पावर स्टेटस यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो इंडिया हैज़ टू एक्नॉलेज जो बलोचों के साथ हो रहा था, जो 2016 में नरेंद्र मोदी ने जी कहा, कितना सबका दिल खुश हुआ, कितने तवक्कोआत लोगों के हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल खामोशी, एक स्टेटमेंट था, उसके बाद फुल चढ़ाई तो बलोचों पे हुआ, बलोचों को जो मारा जाता कहते इंडियन एजेंट है,
तो मेरे साथ बलोचों को कोई इतराज नहीं होगा इंडियन एजेंट बनने का, अगर उसमें बलोचों के मुस्तकबिल का फायदा हो, बलोचिस्तान के आजादी के तहरीक को फायदा मिले। मेरे ख्याल में हम इजरायली एजेंट, इंडियन एजेंट, अमेरिकन एजेंट, किसी का भी एजेंट बनने के तैयार हैं। हम खाली पंजाबी का एजेंट बनने का हमें कोई शौक नहीं। एक जंग चल रही है, नॉर्मली तो वो रशिया यूक्रेन वार है, लेकिन जाहिर है उसके पीछे पूरा वेस्ट खड़ा है यूक्रेन के, और हंड्रेड ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर अब तक वेस्ट इस पे लगा चुका है। उसका असर हमें भी यहाँ पे लंदन में, यूरोप में बहुत असर महसूस हो रहा है। जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, एक एनर्जी क्राइसिस आया है, आप इस जंग को कैसे देखते हैं और इसको कहाँ ख़त्म होते देख रहे हैं? क्या ये कुछ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के मैंने आर्टिकल पढ़े हैं कि ये वर्ल्ड वार थ्री है, इसी तरह वर्ल्ड वार टू शुरू हुई थी जब पोलैंड पे जर्मनी ने हमला किया था और बाद में ये बात आगे बढ़ी थी। अब चाइना ताइवान का मामला भी आगे बढ़ रहा है, ताइवान का प्रेसिडेंट अमेरिका के ट्रिप पे जा रहा है और चाइना इसको पसंद नहीं करता। तो आप इस जंग को बढ़ते देख रहे हैं कि इसका कोई ना कोई फैसला जल्दी हो जाएगा? जी, इस जंग को बढ़ते देख रहा हूँ और इस जंग को बलूचिस्तान के मुफाद में देख रहा हूँ। हम पहले जो बात करते यहाँ पर, और यूएन में मैं बोलता था, आप भी मौजूद होते थे, हम बलूचिस्तान की आज़ादी का बात करता तो स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियंस बहुत ताज्जुब से देखते थे, ओ दिस इज़ वेरी फैशिस्ट नेशनलिस्ट, फैशिस्ट और नेशनलिस्ट को इंटेंगल करते थे, दे टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। अभी उक्राइन के इंडिपेंडेंस के लिए या उसके इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए, उसके सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे दिन टैंक, बम, बारूद, जेट, बंदूक का बात करते हैं। किसी बलोच के साथ एक बंदूक देते थे वो टेररिस्ट। अभी नाउ दे अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, द कॉमन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत वक्त गुजर गया था, उसके बाद अभी ये फिर से समझ रहे हैं कि सॉवरेंटी एंड द इंकर्जन ऑफ ओवर योर इंडिपेंडेंस ऑफ अ फॉरेन कंट्री, उसका मतलब क्या है, अभी इनके समझ में आ रहा है। जो रूसी टैंक उधर आते हैं, रूसी जेट बम्बारी कर रहे हैं, अभी हम जो बलूचिस्तान का सिनारियो बोलते हैं, कम से कम दे कांट रिप्लाई बैक। पसंद नहीं आता है कि पंजाबी, इनका अपना बच्चा है, इनका अपना पैदावार है, इनका अपना फ्रैंकनस्टाइन है, तो उनको पसंद नहीं आता, लेकिन कम से कम वो हमको ब्लॉक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं कि ये सारे दिन तो यही ड्रामाबाजी, सारे दिन यही गीत गा रहे हैं कि उक्राइन को हम पैसा देंगे, हथियार देंगे कि लड़े, ज़्यादा रूसी फौजियों को मारें। भाई आप तो दहशतगर्द हो, आप कैसे बात कर रहे हो? पूरा यूरोप यही बोल रहा है कि उक्राइन को बम देने चाहिए, टैंक देने चाहिए हमको, कि रूसियों को तकलीफ दे। तो हम भी तो यही रोना रो रहे हैं, हमारे ऊपर भी ऐसा ही, जैसा रूस आया तो हमारा, रूस तो पंजाबी है, हमको उक्राइन सोचो और पंजाब, पाकिस्तानी पंजाबियों को रूस सोचो, तो हमारा भी तो यही हालत है 70 साल से हम कह रहे हैं। आपको अगर जंग बढ़ती है ये और इसमें पाकिस्तान मुश्किल में आ जाता है इंटरनली, ऐसे में अमेरिका आपको अप्रोच करे कि हम आपको आज़ादी दिलाएंगे लेकिन आप यूक्रेन के लिए हमें अड्डे दें या अपना ग्राउंड दें, हमें सपोर्ट करें, तो क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि आपके फादर और दूसरे बलोच नेशनलिस्ट लीडर्स, कहा जाता था कि सोवियत इंक्लाइन ज़्यादा थे बनिस्बत अमेरिका के, तो आप ऐसी किसी सिचुएशन में पार्टनर बनना पसंद करेंगे अमेरिका का? मेरे ख्याल में अगर आप करंट सिनारियो में देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फाइन एग्जांपल, सऊदी अरेबिया फाइन एग्जांपल, इस्लामिक मुल्क हैं, बहुत खूबसूरत कोऑर्डिनेशन इनका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, बेसिस भी वहाँ मौजूद है, ऑनरेबल पार्टनरशिप भी इनका है, तो बलोच कौन से कोई स्पेशल सुरखाब के पर से बना हुआ है कि वो बोले नहीं मैं अमेरिका के साथ पार्टनरशिप नहीं करूँगा? किस बुनियाद पर? एक दो नंबर का इस्लामिक रिपब्लिक बनाना, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी मुशरफ के सुपरविजन में अड्डे दे रहा है जो इतना दावेदार है इस्लाम का, उसने भी बोला कि यस सर आप अड्डे हम देते हैं तुमको अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए। तो हम तो वो भी नहीं है, हम तो एक सेक्युलर मुसलमान हैं, और मैं एग्जांपल यूएई और सऊदी का यही दे रहा हूँ कि वो तो एक पिलर्स हैं इस्लाम के, उन्होंने अच्छा पार्टनरशिप यूएस के साथ किया, हम क्यों कर नहीं सकते? अड्डे देने में, पार्टनरशिप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका स्टूज बनने में और उसका पुतला बनने में दैट्स अ डिफरेंस। जैसे पाकिस्तान का एक पुतला, एक स्टूज है, हम किसी का स्टूज बनना नहीं चाहते। बलूचिस्तान का नेबर है अफगानिस्तान,
पिछले 42-43 सालों से जंग में फंसा हुआ है, मेनली इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। इसका जो सोवियत इन्वेजन 79 का कहा जा रहा है वो भी इसलिए था कि पाकिस्तान ने अफगान स्टूडेंट्स को ट्रेन करके जाहिर शाह की हुकूमत के खिलाफ किया था, और फिर जो चीज़ें हैं आज का अफगानिस्तान तालिबान सरकार सस्टेन कर गई है, क्या वो अफगानिस्तान को आगे ले जाएगी? जी, तालिबान सरकार और अफगानिस्तान के पॉलिटिशियन का तो पता नहीं, अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम में तो मज़ा आ गया लास्ट वीक जो तमाशा इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ किया। मेरे ख्याल में वो इनफ है। जो इन्होंने कभी अफगानिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया था एक आज़ाद ममलिकत, ये कहते थे हमारा फिफ्थ प्रोविंस है, उसके क्रिकेट टीम ने, मैं क्रिकेट देखने वाला आदमी तो नहीं हूँ लेकिन उसने बहुत खुशी महसूस हुआ। कम से कम एक चीज़ पर उनको बहुत फख्र का था, पाकिस्तानियों का, हमको क्रिकेट खेलना आता है, वो भी अफगानिस्तान ने दिखा लिया। कि इनको अफगानिस्तान जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था 14 अगस्त 2021, पाकिस्तान की ISI ने टेक ओवर कराया था, तो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस थी कि तालिबान हमारे गुलाम रहेंगे, हमारे इशारे पर हर चीज़ करेंगे, लेकिन सिचुएशन कुछ चेंज हो गई। तालिबान ने वो ड्यूरन लाइन पर जो बाढ़ लगी हुई थी उसको भी काट के फेंकना शुरू किया, अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग भी अक्सर होती रहती है, और सबसे बड़ा काम जो किया वो TTP को आज़ाद करा दिया, और TTP के लोग पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है कि अफगानिस्तान इंक्लूड कर तालिबान इनकी मदद कर रहा है। आप समझते हैं कि TTP ने जो इस वक्त एक खौफ फैलाया हुआ है पाकिस्तान में, तो तालिबान और पाकिस्तान या अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्लैश देखते हैं? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी या पंजाबी फौज इतने बेवकूफ़ हैं, 2001 भूल गए, इन्होंने जो मुशर्रफ ने कहा कि आओ आई विथ अस अगेंस्ट अस, बोले नो सर वी विथ यू, किस खाते में विथ यू, तालिबान को मारने के लिए। तो ये तालिबान इतने बेवकूफ़ हैं जो भूल गए 2001 जो मुशर्रफ ने पाकिस्तान फौज ने वजीरिस्तान से लेके अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाके तक क्या कत्लेआम तालिबान का नहीं किया। तोरा बोरा याद नहीं है लोगों को, ये सारे पाकिस्तानी फौजी कहाँ थे, ये कमांडोज, ये तालिबान को मारने में मसरूफ थे। अभी तालिबान भूलेंगे? इन्होंने गोरों को कभी माफ नहीं किया, ये पाकिस्तानी पंजाबियों को माफ करेंगे? नरेंद्र भाई, आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा दो चीजें। पहला तो ये कि पाकिस्तान में सिंधी और पख्तून तो आपकी मूवमेंट को समझते हैं, आपकी ग्रेवेंसीज को समझते हैं, लेकिन एक कौम है मुहाजिर और एक है पंजाबी, जो आपको गद्दार और आपको इस्लाम दुश्मन और फलान दुकान, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप एज ए बलोच लीडर? जी देखिए, मुहाजिर बिल्कुल मैं बहुत करीब रहा हूँ, मुहाजिरों के लीडर्स के करीब रहा हूँ, मेरा बहुत इज्जत है उनके लिए, उनका हिस्ट्री, उनके एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है हमसे, तो जितना हम साथ टाइम गुजारेंगे एक दूसरे का पहचान ज़्यादा होगा, हम समझेंगे। गलतफहमियाँ होते हैं जब आदमी एक दूसरे को नहीं जानता, जैसे एक कॉमन पंजाबी को, जो आज दिन तक आप जाएं को इंटरव्यू देखते हैं लाहौर में या पिंडी में, लोग जो आवाम है पंजाबियों को, चलो कहते बलोची, अभी तक जानते भी नहीं हम क्या हमारा बोली बलोची, हमारा कौम बलोच है। तो मैं उनसे गिला नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जितने भी नेबर्स हैं बलूचिस्तान के या पाकिस्तान के, उनको अपने स्टांस को रीअसेस करना चाहिए। ये 70-75 साल से जब से पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने बनाया, नेबर्स ने क्या हासिल किया इस पाकिस्तान के वजूद से? टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दी, बेचैनी, इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, मतलब जो भी ड्रग्स का इन्फ्लक्स, ड्रग्स ट्रेड, जो भी एक नासूर था वो फैला यहाँ से, और फिर उसको कंपेयर करें इंशाल्लाह जब बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, व्हाट हैव वी गॉट टू ऑफर? हम एक सेकुलर मुल्क हैं, हमारा एक वास्ट हिस्ट्री है, हमारा एक हिस्ट्री है ऑफ रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, ईरान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, हम और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ओमान, UAE के साथ, इंशाल्लाह हम एक मॉडल मुल्क को अपने को बनाएंगे ऑन द ब्लूप्रिंट ऑफ UAE। जब मैं रहा भी बहुत साल हुआ हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनका, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनके
प्रोटोटाइप से, जैसे इन्होंने अपने को कंडक्ट किया, अपना रिलीजन और सियासत को सेपरेट रखे, अपने कबालियत और रिलीजन को सेपरेट रखे। और जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के, उन्होंने जो प्रोग्रेसिव स्टांस अपनाया हुआ है, ये मैं तो कभी तस्लीम ही नहीं कर सकता था, तस्वर भी नहीं कर सकता था कि सऊदी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आप देखें, एक अच्छा प्रोग्रेसिव बाशऊर आदमी कितने मिसकंसेप्शंस और रॉन्ग डूइंग्स को अंडू कर सकता है। तो देयर इज ऑलवेज होप इन द रीजन, और देयर इज ऑलवेज होप फॉर द बलोच पीपल दैट वी विल गेट टू आवर डेस्टिनी इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर नेबरिंग पावर्स। थैंक यू वेरी मच मेहरान भाई, आपने बड़ी खुल के चीज़ें बताई, और वी होप के हम आज़ाद बलोचिस्तान को बहुत जल्द रियलिटी में देखेंगे और हम आपके मेहमान आपके मुल्क में बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।